नमस्कार अर्गस अपडेट सह मुनिवेदिता बुलेटिन आरंभरु प्रथमे हेडलाइंस। कटक सालेपुर बणहरा अंचल लज्जा हाथ गोड़ बांधि नाबालिका को दुष्कर्म अभियोग थाना लिखित अभियोग कले पीड़िता मां घटन पुलिस तदंत जारी। स्कूल फी कोल करने राज्य सरकार को परामर्श गणशिक्षा विभाग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश अनुदान प्राप्त अणअनुदान प्राप्त घर स्कूल फी छाड़ करेंगे 2020-21 शिक्षा वर्ष स्कूल फी हे कोहल। नयागढ़ नाबालिका अपहरण हत्या मामला आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में नाबालक लेयर वाइज एनालिसिस टेस्ट आवेदन शुणी पूर्व ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस मना कर नाबालक। हेवीवेट मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक नारे सांघातिक अभियोग क्षमतार अपव्यवहार कर बोहू को देखती अनुकंपा कलेज को न जा बोह लिप्सा प्रधान नहीं कि दरमा विजिलेंस तदंत निर्देश देते लोकायुक्त। मंडी धान उठुनी किंतु उषुना अरुआ नहीं बढ़ुच्च बिवाद बीजेपी कहला चाषी नुहति मिलर्स चिंता करुछंती सरकार सरकार का जवाब एफसीआई 50% उषुना किणिले क्षति सहबे राज्य सरकार। राज्य में थमुनी लज्जा दुई दिन में तीनोटी दुष्कर्म मामला सुवर्णपुर युवती को काम देवाक गणदुष्कर्म अभियोग टीटलाग नीलगिरी नाबालिका दुष्कर्म मामलें पुलिस हाथ खाली एनसीआरबी तथ्य कहती दुई वर्ष में बढ़ी दुष्कर्म मामला दिनक परे बिना रिपोर्ट रे जगा दर्शन रत्न सिंहासन में शिजु दर्शन करे भक्त आनंद बजार में बसी महाप्रसाद सेवन करने कटक आसंता दुई दिन घन कुहुड़ी आसंता काली 10 जिला को येलो वार्निंग राज्य में बढ़ तापमात्रा कमि शीत आंचलिक पानीपा केन्द्र पूर्वानुमान। कटक सालेपुर लज्जा नाबालिका को गणदुष्कर्म अभियोग परिवार पक्षर थाना लिखित अभियोग तेज घटना घटी सालेपुर थाना बणहरा अंचल एभली अघटन घटी तेज अंचल एक 13 वर्षर नाबालिका को दुईज घरे एकापाई हाथ गोड़ बांधि दुष्कर्म कर पीड़िता परिवार अभियोग अभियोग को भित्तिक सालेपुर पुलिस तदंत आरंभ कर सालेपुर एसडीपीओ सूचना देते परवर्ती खबर को अनुगुल जिला निशा शिल्पांचल थाना पीताबली छक पुलिस चढ़ऊ 50 पेटी ऊर्ध विदेशी मद सह प्राय 1000 लिटर ऊर्ध चोरा डीजेल जबत होई छि। पीताबली छक चोरा डीजेल और विदेशी मद बिक्री होता विश्वस्त सूत्र खबर पाई अनुगुल जिला स्पेशल स्क्वाड विलंबित रातिर पहुंची एक ग्रोसरी दुकान उपर चढ़ऊ कर पुलिस उक्त ग्रोसरी दुकान समेत एक कैबिन और दुकान मालिकों घर 1000 लिटर ऊर्ध डीजेल जबत कर 50 रु ऊर्ध पेटी विदेशी मद जबत कर चोरा कारबार में संपृक्ति नहीं दुईज माफिया को अटक रखी घटना अधिक छानबीन कर थाना आईआईसी कनक माझी कहते पूर्वतन बाचस्पति तथा कैबिनेट मंत्री शरद करों को अंतिम सम्मान प्रदान रे अभला मामला हाईकोर्ट रे गृह विभाग मिथ्या सत्यपाठ दाखल मतलूब महारथी विष्णु को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए नथिबा सत्यपाठ रे उल्लेख करा दैछि। समस्तक सामनारे पूर्वतन मंत्री शेख मतलूब वल्ली प्रदीप महारथी और विष्णु दास शेषकृत्य बेले पुलिस कर्मचारी उपस्थित रही गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करते सबुर दृश्य भी रेकर्ड हो सारी किंतु हाईकोर्ट रे सरकार पक्ष दाखल सत्यपाठ में उल्लेख कर दिवंगत नेता सम्मान प्रदर्शन पर गृह विभाग कौन अनुरोध पाई नथिला कि पुलिस सम्मान प्रदान पर कौन निर्देश दे नथिला तबे कहा निर्देश रे पुलिस कर्मचारी सेठारे दिवंगत नेता मानंकु सम्मान प्रदान कले पुलिस गृह विभाग बिना निर्देश रे एभली कार्य करी पारुछि किपळे जदि करी पारुछि तबे पूर्वतन बाचस्पति शरद करंकु सम्मान प्रदान रे पछकुंचा देला काईकि शरद करंकु अंतिम संस्कार सम्मान प्रदान रे अभळा प्रसंगकु नै हाईकोर्ट रे रुजु मामला रे सुनानी चालितबा बळे एबे सरकार को एभली सत्यपाठ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि।
स्कूल फी कोहल करने को राज्य सरकार को परामर्श। स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षर विधिवद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाई। अनुदान अणअनुदान प्राप्त और घर स्कूल फी छाड़ करा जिबो। हाईकोर्ट को सुनानी परे राज्य सरकार यह निष्पत्ति नहीं। तेज 2020-21 शिक्षा वर्ष पर स्कूल फी कोहल हो सतटी स्लाब स्कूल फी कोहल वार्षिक फी 6000 थिले छाड़ हेबनी स्कूल फी। वार्षिक 6000 रु अधिक 12000 रु कम पाई 7.5% छाड़। 12000 रु अधिक 24000 रु कम 12% छाड़। 24000 रु अधिक 48000 रु कम पाई 15% छाड़। तेज 8000 रु अधिक 72000 रु कम थिले 20% छाड़ रहइबो। 72000 रु अधिक फी किंतु 1 लाख रु कम थिले 25% छाड़ रहइबो। यास वार्षिक फी 1 लाख रु अधिक थिले 26% छाड़ हेबो। सेबेले हॉस्टल फी 30% छाड़ करबार को सरकार को निर्देश रहिछि। किसी छाड़ करने कि समय देवाई आपण मान मन थी व्यक्तिगत भाव में ट्विट करवर मुख्यमंत्री अनुरोध करते तार परवर्त अवस्था जितेबले अभिभावक मान तरफ ए संपर्क में मान्यवर कोर्ट को जितेबले जाते कोर्ट गोटे निर्देश देते आम प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेयरमैनशिप्रे समस्त स्टेक होल्डर मानक डाक आलोचना करपर्क एक निष्पत्ति नापी एवं से अनुसार गोटे समस्त स्टेक होल्डर मान सहित आलोचना चर्चा पर्यालोचना कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रो एक एमओ मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग रे गोटे दाखल करते मान्यवर कोर्ट पाखे मान्यवर कोर्ट से कथाटी को ग्रहण कर निर्देश देते सरकार एक कथा घटना कार्यकारी करातु से अनुसार गत काली नोटिफिकेशन होती गोटे स्लाब अच्छी जो थे आपने विभिन्न शिक्षानुष्ठान मान जहाँ जहाँ से मानकर फी नौ से फी को आधार करी गोटे घोषणा करा एमओरे आम आशा करूँ ताकू जो मैंने अच्छा बेसरकारी शिक्षानुष्ठान मान जो मैंने अच्छा कार्यकारी करेंगे अभिभावक मान स्वार्थ दृष्टिकोण रूप जेहेतु पे वर्तमान कोरोना रे समस्त चापरे अच्छा मान्यवर कोर्ट ए संपर्क में जो मैंने ये कथा को ग्रहण करने चाहूना जहाँ को निष्पत्ति ठीक लगुना से परवर्त अवस्था प्रपर फोरम को आसीपारे उतर रिट आप्लिकेसन तेणु गत काली संपर्क में जहाँ मान्यवर कोर्ट जो स्लाब को ग्रहण करते आपण मैंने विभिन्न स्लाब अच्छी आपंट संपर्क में आगु आपे से कथा अच्छी अकॉर्डिंगली गत काली विभाग नोटिफाई कर आम तो प्रथम आशा करूँ सरकार जेहेतु घोषणा कले कार्यकारी करने समस्त बेसरकारी शिक्षानुष्ठान मैंने ग्रहण करेंगे कार्यकारी करेंगे यह अभिभावक मान स्वार्थर समस्या कोरोना समस्त को आर्थिक भाव कष्ट निश्चित भाव में आम स्वीकार करवा तेणु से दृष्टिकोण आम प्रथम आशा करूँ जो समस्त या ग्रहण करेंगे बहुत क्षेत्र में पूर्व सरकार निष्पत्ति गठन जना ना सरकार नोटिफिकेशन के मान्यवर उच्च न्यायालय निर्देश क्रमे वर्तमान गवर्नमेंट नोटिफाई करी यू हैव टू एक्सेप्ट दिस पॉलिसी तेणु सरकार निष्पत्ति किए किए मानवे मतलब लगुना तेणु आम अनुरोध करुच्छू समस्त को जेहेतु सरकार जहाँ निष्पत्ति करवर उच्च न्यायालय परामर्श क्रमे जहाँ सरकार नोटिफाई कर आशावादी निश्चिंत समस्त अनुष्ठान मान मानवे जदि कौन अनुष्ठान न मानती आग्रीव हूँ कोर्ट निर्देश दे कैन कम टू द प्रपर फोरम तेणु मुझ आशा करुच्ची सरकार जेहेतु आपको नोटिफाई कर आगुरी के सरकार नोटिफाई करते मुझे से कहली माननीय मुख्यमंत्री अनुरोध करते अनुष्ठान मान ग्रहण कर उचित था जदि करना आज जेहेतु सरकार तो नोटिफाई कर मानते दिस इज द गवर्नमेंट डिसीजन तेनाली गवर्नमेंट डिसीजन किए मानवे ना आई डोंट फिल सो।
सर गवर्नमेंट चाहिथिले सरकार चाहिथिले नोटिफिकेशन रे निर्देश दे परथांते प्राइवेट स्कूल को दिस इज परामर्श दे जों सर परामर्श नहीं एडवाइजरी नहीं नोटिफिकेशन मेंस दिस इज द गवर्नमेंट रो डिसीजन गवर्नमेंट रो एडवाइजरी अलग है दिस इज ए नोटिफिकेशन इधर लिखा है सर एडवाइजरी लिखा है नहीं परामर्श देवे सर राज्य सरकार तो निर्देश देवे ना सर नहीं दैट इज द नोटिफिकेशन ताको हमें अलग हमें हम विभिन्न अर्थ रे बुझवा हमें घटना उचित हो ना जेहे तो मान्यवर कोर्ट एक कथा कही चंती सो इट इज ए नोटिफिकेशन जो मैंने थे आमर जो प्रिंसिपल अच्छी चुक्तिभित्तिक हाईस्कल जो शिक्षक पे शिक्षक मैंने से आम घटना गत काली निष्पत्त कराइर से अनुसार रेगुलाइज कर 3884 शिक्षक मान को रेगुलाइज कर निश्चित भाव में शिक्षा विभाग में आपण मैंने जानी ए विभाग को आहरी चलचंचल करवाई गुणात्मक शिक्षा देवाई विभाग घटना प्रयास परीक्षा चली माननीय मुख्यमंत्री निर्देश में आज आप जानते एक अभिनव योजना जहाँ समग्र भारत वर्ष जो कथा ना मो स्कूल योजना तेणु से मो स्कूल योजन आज गत काली जो जेनेल बड़ी बस था से संपर्क में निष्पत्ति नहीं स्टूडेंट मान को आडप्ट कर निष्पत्ति निजाई स्कूल मान को आडप्ट कर निजाई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आम 100 स्कूल नहीं प्रति जिलूर प्राय तीन तीन टा स्कूल 100 स्कूल नहीं आप जानते आउ निश्चय भाव आम आंतरिक शुभेच्छा और स्वागत जनइबू से आपण मानकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका थी जो सटडाउन लॉकडाउन पीरियड भितर सब बंद थी आम मैंने हाइकोर्ट जाकि केस करूँ और केस्र बारंबार दौड़ू हाइकोर्ट और जहाँ भी हो राज्य सरकार दुई दिन थर आफिडेविट दे आमर कंट्रोल ना कि आम जो 1969 रिजोल्यूशन को आक्ट को 1996 रिजोल्यूशन को आधार कर कंट्रोल अच्छे मान्यवर कोर्ट कहते ये कंट्रोल अच्छे जो मैंने न मानवे एनओसी सीओआर उड्रय करेंगे तेनाली आज देखो आज जो स्लाबा बाहर 7.5% रु आसी 30% पर्यंत सी हूँ ट्यूशन फिज रु आप देखिए स्कूल रे रीएडमिशन फी नौ सेसन फी नौ डेवलपमेंट फीस नौ आनुआल फी नौ एमती पाखापाखि 17-18 आक्सिलर फी नौ छाड़ी एवं ट्यूशन फीस रु केवल 7.5% रु 26% और हॉस्टल जो अच्छे 30% तेनाली आम निश्चय भावुँ गोटे गोटे स्कूल 60% रु 70% पर्यटन छाड़ हम आम गोटे गोटे स्कूल वाइज एक्सटेनसीवली काम करार अच्छी ये आज आपण मानक धन्यवाद देवाई आसचु निश्चय भाव ये विजय आपण मानसा नयगढ़ नाबालिका अपहरण हत्या मामला आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में नाबालकर लेयर वॉइस एनालिसिस टेस्ट आवेदन शुणाणी होगा पूर्व ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस पाई मना करिछि अभियुक्त नाबालक एसआईटी पक्षरु अभियुक्त नाबालकर नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग पाई नयगढ़ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अनुमति देइनथिले पुणी आज अभियुक्त नाबालकर एलवी ए बा लेयर वॉइस एनालिसिस टेस्ट करबा पाई एसआईटी करितबा आवेदन रो शुणाणी करा जिवो अरेपटे अभियुक्त नाबालक वकिल पक्ष नाबालक को रिमांड समय एसआईटी रे जातना देतबा नै करा जाइतबा आवेदन रो मध्य शुणाणी करि पांती जुबा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फोनी क्षतिग्रस्त को सहायता केबे प्रलयंकारी बात्यारे बांकीर अनेक कच्चा घर माटी रे मिसिथिला किंतु देढ़ वर्षर ऊर्ध समय बीतीछि एबे भी एमारंक स्थिति रे सुधार आसिनी पॉलिथिन तळे कटुछि अनेकक जीवन केउटि अयोग्य को घर मिलुछि त केउटि दलीय भितरे बंटा जाउछि आवास योजना फोनी रे भुसुड़ी गला घर मुंड उपरे छात नाही पॉलिथिन तळे बीतुछि जीवन फोनी क्षतिग्रस्त को आवास केपे राज्य पक्का घर प्रहेलिका थरे नजर पकातु ए दृश्य उपरे ए दृश्य हेउछि बांकी ब्लॉक अंतर्गत ब्रह्मपुरा पंचायत माटी चाळछपर घरे बितुछि जीवन फोनी बात्यारे माटी रे मिसिथिला घर सेबेठारु एमानंक जीवन ए भंगा कुडियारे कटुछि पक्का घर पई एमानंक ना तालिकाभुक्त करा जिबा परे भी मिलुनि आवास घरटिए ए ऑफिस रु से ऑफिस दौड़ी दौड़ी निराश होती ग्रामवासी घर टे भांगी जबारु आमे बारंबार जो ब्लॉक ठीक गलु अप्लाई कलु से लगू पुणी गाड़ी मोटर रे पैसा भड़ा करके भी जाइए सुधा आम गोड़ पानी मरीगला शुणवार नहाते
आउ आमे पुनी पुनर्बार गलु बिडीओंक पाखकु गलु सरपंचक पाखकु गलु ता बाद बि वार्ड मेंबरकु जणैछु समस्ते भी आम छोट जाति बोले कम के पसंद करना जदिका नदे आम जाए ब्लक विडीओं पाखे पुणी हाजर हबु हाजर हबु जदि आम कथ न शुणु से अनशन करूँ आरोप घर द्वार ना छोट छोट पिला धरिकी रही चु घर पानी गलुची आम गरीब लोग केतर अभियोग करूँ आम सरकार को दाबी रखुचु आम तुरंत घर दिंतु ना आम आंदोलन करूँ आम ब्लक घेराव करूँ आम पाखे किसी उपाय ना बारंबार आनक्वारी कर घर दबू बोली कौन पुणी तक से पलाऊँच जे जहाँ को आम कौ से कह उपर कटा होती उपर काटू किए आम जानवाक चाहूँ आम उपर काटू किए आम दाबी करुचु आम गोटे गोटे घर दि जाऊ परफेक्ट इनक्वारी हो आमको घर दि जाऊ फोनी क्षतिग्रस्त को आवास के अयोग्य हिताधिकारी तालिकार अंतर्भुक्त करोग्य बाद दि जाइ असंतोष बढ़ी एपरिक दलय भित्ते आवास बंटा जाता अभोग आताधिकारी एने आमर साप्ताहिक कार्यक्रम उत्तरदायी प्रसंग उठाई हिताधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना जितेबले दरखास्त ग्रहण करोग्य हिताधिकारी मानी से किसी लोक से सर्भे रिपोर्ट बाहर करें सरकार को भी दृष्टि आकर्षण करूँ से लोक पुनर्बार दरखास्त ग्रहण कर ब्लक प्रशासन विडीओ सर को देखूँ ए विषय से कौन प्रकार चूड़ा निष्पत्ति नहीं आप दृष्टि आकर्षण कलापर आम से किभली भाव में आवास योजना पाइबे आम पाइला पर्यंत आम हक दाबी करूँ ब्लक प्रशासन निकट में राधामणि जेना बांकी अच्छा आमर पंचायत रे जो माने विधानसर भी पकईले प्रधानमंत्री आवास योजना आज्ञा से प्रधानमंत्री आवास योजना गुड़िक मान जार अच्छी घर ताकू दि जाऊँ जो मानकर नाही फोनी को पूरला देढ़ वर्ष रु अधिक समय किंतु एजाए योग्य हिताधिकारी चिन्हट हो पारिनाहती प्रकृत हिताधिकारी को आवास केबे ताहे बे बड़ प्रश्न केन्द्र सरकार आवास योजना एबे साधारण गरीब लोक पलटुची सात सपन आम जदि कटक जिला ब्रह्मपुरा पंचायत कथा कहिबा तबे एबे भी एटि असहाय गरीब लोक साधारणतः केन्द्र सरकार आवास योजना वंचित ए नहीं कि ग्रामवासी बारंबार सरकार दृष्टि आकर्षण करुला बेले ब्लक विडीओ सरपंच एपल कि जनप्रतिनिधि दृष्टि आकर्षण करुले फल शून तेब एने के सरकार दृष्टि ए ग्राम पंचायत प्रति पड़ू के गरीब असहाय लोक प्रधानमंत्री आवास योजना घर खंडे मिलू देखा बाकी रहा कटक जिला बांकी ब्रह्मपुरा पंचायत रु कानुचरण बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज ढेंकानाल रे पुणी मातिले दंताहाती आक्रमण रे पुणी जड़े चासिंग करो मृत्यु होइतिबा ढेंकानाल रो अभिजोग आसी तेबे ढेंकानाल रेंज सदर गहमखुंटी गाँव रमेश साहू गतकाली विलंबित राति रे गहमखुंटी निकट रे परिबा बाड़ी जगितबा समय रे कुड़िया भितर को टेकी नेतला दंता एवंग तांको दळी देतला तेबे रमेश साहू जड़े गरीब चासी होइतबारो तुरंत वन विभाग पक्षरु तांको क्षतिपूरण देबा को ग्रामवासी को पक्षरु दाबी होछि तासित अधिकांश समय रे गहमखुंटी गाँव में यह गोटिकिया दंताहाती आसी ग्रामवासी मध्य असंतोष खेलाउची जाउतिपाई तुरंत ए दंता को ट्राकुलाइज करी अन्यत्र नेबाकु दाबी करिसंती ग्रामवासी नचेत राजरास्ता कोल्हाइबाकु बाध्य हे बोली चासी माने चेतावनी देछंती तबे सकाळु खबर पाई वन विभाग टीम मध्य पहुंची तदंत करुछि तबे विप्लव राउल आम ढेंकानाल प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती अधिक सूचना देवाई तेज विप्लव आउ केते दिन एभली चलो कहीं आपण सहित पूर्व आलोचना कर सारी विभिन्न समय आप चित्र आमको देखा कि हाथी मैंने आसती फसल उजाड़ती घर द्वार भागती एमती कि लोक मृत्यु हुए प्रकृत में वन विभाग करुच्ची कौन एवं केते दिन एभली मनीष एवं हाथी लड़े पुनच्छेद पड़ हाँ निश्चित भाव में देखु निवेदिता कल पुणी एक दंता हाथी सदर ब्लक स्थित बोरापदा निकट गहम खुंटी गाँव रण चाषी रमेश साहू को आक्रमण कर मृत्यु घटी जदि कह कल गत काल विलंबित रातिर जेहेतु फसल करते रबि फसल टाइम अच्छी तेणु से कुड़िया भितर जगी जो हाथी आसिले कि फसल नष्ट न कर बिल जगी गत काली रात जेहेतु से
ଜଗିଥିଲେ ହାତୀ ହଠାତ୍ ସିନା ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ହାତୀ ଉପରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫଳରେ ହାତୀ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି କଚାଡ଼ି ମାରିଦେଇଥିଲା ଫଳରେ ସକାଳୁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରେ ତେବେ ଯଦି କହିବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ଗତକାଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି କି ଗତକାଲି ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଗଞ୍ଜରା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସକାଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କରିଯାଇଥିଲେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଙ୍ଗୁରପୋଷି ଗାଁ ଯୋଉ ରହିଛି ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଦର ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହାତୀ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତେବେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ହାତୀକି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିଛି ଏବଂ ସେଠିକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିକିଆ ଦାନ୍ତା ହାତୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବୁଲୁଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ତେଣୁ ସରକାର ବିଶେଷ କରି ଏଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଦରକାର ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ଏବଂ ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ନ ହେବ ସଂଘର୍ଷ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହାତୀମାନେ କିଭଳି ଜନବସତି ମୁହାଁଇବେନି ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଚାଲିବ ହାତୀ ମନୁଷ୍ୟ ଲଢେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ତ ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛି ସେ ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଐରାବତ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକୋଇଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଐରାବତ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିପାରିବା ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ହାତୀ ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଜବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଐରାବତ ବର୍ଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ବିବିଧିତା ତେବେ ବିପ୍ଳବ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାର ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁଛି କି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ରୂପେ ତୁଲାଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି କି ବନ ବିଭାଗ ଠିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାତୀ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଲଢେଇକି ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସେଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ତେବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବେ ତେବେ ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସଦର ପୋଲିସ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଡକ୍ରସ ସହାୟତାରେ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେବେ ବିପ୍ଳବ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଖାଲି ଯେ ଚାଷୀ ମରିବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଯିବ ତା ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ ସମାଧାନ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ହାତୀମାନେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେବେନି କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ହାତୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଚାଷୀଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଛଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଫସଲ କରୁଛି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ ବନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଆଉ ସେ କରୁଛି କ'ଣ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଲୋକ ବନ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ଏବଂ ହାତୀ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଧାନ ଫସଲ ଉଠିଯାଇଛି ରବି ଫସଲର ସମୟ ତ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତିକି ଆଜି କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ସେମାନେ ଏକର ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷକୁ ଚାଷ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହାତୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାହା ସବୁ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଯେଉଁ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସି ବ୍ୟାପକ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ସହିତ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ବିପ୍ଳବ ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଲଢେଇରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଯୋଜନା କରିଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସିପଡ଼ିଲେ ହେବନି ଏଥି ଯୋଜନା କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ ସେ ଐରାବତ ବସ୍ କଥା ହେଉ ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ହେଉ ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ ଏବଂ ହାତୀଙ୍କୁ କିଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିପ୍ଳବ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ତେବେ ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନମସ୍କାର।
ଆଜ୍ଞା।